नमस्कार, सीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। बागेश्वर जनपद की दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ मैं प्रियंका गस्याल। प्रोन्नति में आरक्षण का विरोध तथा पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर सामान्य व ओबीसी वर्ग के कार्मिकों ने मशाल जुलूस निकाला तथा एसबीआई तिराहे पर पुतला दहन किया। इस मौके पर विरोध प्रदर्शन करने वाले कार्मिकों ने कहा कि उनका संवैधानिक आरक्षण का विरोध नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पदोन्नति में आरक्षण समाप्त किया जाना चाहिए। आंदोलन में बड़ी संख्या में कर्मचारी व अन्य संगठनों से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। पेश है सुष्मिता की ये रिपोर्ट। जिस रैली को, जिस मशाल जुलूस को आज आप कवर कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि समाज के प्रत्येक वर्ग से इसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी हुई है। और जो हाल में एक एक्ट आया है SC ST ST एक्ट, जिसमें ये बोला गया है कि बिना जांच किए किसी भी व्यक्ति को SC ST एक्ट में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसके प्रति भी समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। और ये जो एक्ट आया है, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है कि बिना अपराध साबित हुए ही आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले। और दूसरा, जो सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि पदोन्नति में जो आरक्षण का मामला है वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है, और जब भी न्यायालय कोई निर्णय देती है वो तमाम तथ्यों को परखते हुए देती है। अब न्यायालय के निर्णय के आधार पर न्यायालय ने निर्देशित किया है कि राज्य सरकार इसमें समुचित निर्णय ले, प्रतिभागिता के आधार पर और प्रतिनिधित्व के आधार पर। और जहाँ तक सब लोग समझते हैं, जब आपको एक बार इस आरक्षण का लाभ दिया जाता है तो आप सामान्य और तमाम कर्मचारी एक श्रेणी में आ जाते हैं, उसके बाद भी आप दोहरा उसका लाभ लेना चाहते हैं, और इसके लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, वैमनस्यपूर्ण वातावरण समाज में अपनाया जा रहा है। हमारा मानना है कि जो संवैधानिक आरक्षण है, 70 सालों में इसकी कभी भी देश के अंदर समीक्षा नहीं हुई। एक व्यक्ति जो संवैधानिक सर्वोच्च पदों पर पहुंच जाता है, सर्वोच्च ब्यूरोक्रेट्स के पदों पर पहुंच जाता है, वो बराबर अपने लिए फिर आरक्षण की मांग करता है। ये एक प्रकार से अघोषित आरक्षण है उन लोगों के लिए। क्या उन लोगों के, समाज के वो लोग जो डिस्क्वालीफाई हैं, जिन लोगों की न्यूनतम योग्यता नहीं है, क्या वो उन लोगों को उसका लाभ मिल रहा है? ये कभी भी नहीं मिल रहा है। ये केवल उस वर्ग के अंतर्गत, जो हमारे सम्मानित SC ST के सम्मानित साथी हैं, उनके वर्ग के अंदर उनकी एक अघोषित लड़ाई है कि जो उनका अंदर एक उच्च वर्ग पैदा हो गया है उसके लिए ये लोगों की लड़ाई है, और वही पढ़ा लिखा वर्ग ये वैमनस्यतापूर्ण व्यवहार कर रहा है। देखिए सर, ये आरक्षण के विरोध में, जो पूरे देश में, जो उत्तराखंड में आरक्षण जो लागू किया है उसके विरोध में कर्मचारी शिक्षक संगठन और अखिल भारतीय समानता मंच के बैनर तले एक विशाल जो है रैली, यहाँ पर मशाल रैली यहाँ पर निकाली गई, जिसका यहाँ पर चौराहे पर जो है उसका हमारे जो जनप्रतिनिधि, जो हमारे नेता, जो आरक्षण सही है और आरक्षण का जो समर्थन कर रहे हैं, उनका जो है पुतला दहन यहाँ पर कार्यक्रम किया है। हमारा मानना है कि आरक्षण बिल्कुल खत्म होना चाहिए। अगर आरक्षण तुम्हें देना है तो आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। आरक्षण का फायदा उन लोगों को भी नहीं मिल पा रहा है, SC ST एक्ट के ऐसे जो लोग हैं
उन लोगों को भी आरक्षण का फायदा नहीं मिल पा रहा है। आरक्षण का फायदा बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े लोग, आईएएस पीसीएस लोग, उनके बच्चे ही जो है आरक्षण का फायदा ले पा रहे हैं। जो हमारा आम गरीब आदमी जो गाँव के अंदर रहता है उसको कोई भी फायदा इस आरक्षण का नहीं हो रहा है। वो प्रमोशन में आरक्षण की प्रणाली जो लगा रखी है उसमें भी इन्होंने पूरा गड़बड़ कर रखा है। प्रमोशन में आरक्षण एक थर्ड क्लास व्यक्ति को जो है एक 40% मार्क्स वाले को 80% मार्क्स के ऊपर बैठा दिया जाता है। उसकी एबिलिटी, उसकी क्वालिटी को नहीं देखा जाता है और हमारे जो सवर्ण लोगों का है उनकी क्वालिटी को जो है नजरअंदाज किया जाता है। देखिए मैम, आज जो ये विशाल रैली, मशाल जुलूस और पुतला दहन कार्यक्रम था, ये दो तीन मुद्दों को लेकर, यह सिर्फ कर्मचारियों का ही विशाल जुलूस नहीं था बल्कि इसमें सामान्य जनता, जनरल ओबीसी समाज के सभी प्रबुद्ध नागरिक, समाज सेवी, युवा, बेरोजगार, सभी लोग इसमें शामिल थे। तो ये कुछ मुद्दों को लेकर था। सबसे पहले SC ST एक्ट, एक ऐसा काला कानून जो लोकतांत्रिक देश में एक तरीके से रोलेट एक्ट की तरह है, जो अंग्रेजों ने कभी लगाया था उसी प्रकार का एक घातक कानून हम पर लगाया गया है कि जिसमें व्यक्ति की बिना जांच के ही सिर्फ उसको दोषी, मतलब अगर कोई व्यक्ति दोषी, SC ST का कोई व्यक्ति उसको दोषी बोलता है तो उसी के आधार पर उसको 6 माह की जेल हो जाती है। क्या किसी देश के संविधान में ऐसा कानून है कि बिना जांच पड़ताल के व्यक्ति को 6 माह के लिए जेल में रख दिया जाए? तो इस बात का हम पुरजोर विरोध करते हैं और भारत सरकार और राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस एक्ट को वापस लें। दूसरी बात है हमारी प्रमोशन आरक्षण की। हम इस बात को कहते हैं कि यदि आपने एक बार आरक्षण दे दिया है व्यक्ति को, SC ST व्यक्ति को आप समाज के ऊंचे पायदान पर ले आए हैं, सबको बराबरी का दर्जा मिल चुका है, तो फिर अब क्या जरूरत है कि आप जो है उस व्यक्ति को फिर एक बार जो है फिर से प्रमोशन देकर आप उसको दोहरा लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं। के लिए जब देश की सीमाओं में हमारा आदमी मरता है तब हम आंसू बहाते हैं। हम इस समाज के लिए, इस देश के लिए जीना चाहते हैं, हर आदमी को हम अपना समझते हैं, लेकिन संविधान जो चीज कहता है हम उसको मानने को तैयार है, लेकिन कोई इसको नहीं मानता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सरकार इतनी निष्फली नहीं होनी चाहिए, सरकार को कोई डिसीजन लेना चाहिए इस समय में। अगर ऐसी स्थितियां रही तो इस राज्य में एक दिन ऐसा होगा खून खराबा हो जाएगा और हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए हम इतना सहन नहीं कर सकते। हम उस सीमा को रखते हैं, हम सहने की क्षमता रखते हैं, हमारे समाज उस सहने की क्षमता को रखता है, लेकिन संविधान को हम मानते हैं। ये संविधान हमने बनाया, हमारे देश के लोगों ने बनाया, फिर भी कुछ लोग उसको प्रतिकार में ले जा रहे हैं, उसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं, उसके लिए हम प्रतिकार करेंगे और आगे भी करेंगे। आज ये हमारा प्रदर्शन जो रहा है वो एक प्रतिशत है। आने वाले समय में हमारे लोग इतने दबे सुनते रहते हैं, लेकिन जिस दिन हमको जरूरत पड़ेगी हमारे लोग 100% यहाँ पर होंगे, उस दिन उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आज का पूरा कवरेज आप कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से कर्मचारी, जनरल, ओबीसी और छात्र और अखिल भारतीय समानता मंच के लोगों ने बहुत ही जबरदस्त ढंग से जो सरकार के प्रति इनमें आक्रोश है, निश्चित तौर पर अगर सरकार इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू नहीं करती है तो ये इसके परिणाम, मुझे ऐसा लगता है कि दूरगामी परिणाम बहुत घातक होने वाले हैं, क्योंकि प्रदेश के समस्त सामान्य ओबीसी की जो भी लोग हैं, छात्र हैं, युवा हैं, व्यवसायी हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, सारे लोग एक हो गए आज इस मंच पर। अखिल भारतीय समानता मंच, जनरल ओबीसी इंक्लाव है, युवा रोजगार की तलाश में जो लोग भट रहे हैं, सारे लोग इस बात को जानते हैं और बहुत ही भव्य यहाँ पर जो है कि कैंडल मार्च और पुतला दहन कार्यक्रम हुआ। देश के अंदर जो दोहरी व्यवस्था है, जो दोहरी चाल लोग चल रहे हैं, यहाँ से विधानसभा, लोकसभा जीत कर जाते हैं सामान्य ओबीसी के वोटों को लेकर के, वहाँ जहाँ पर एक जाति विशेष का जो है पैरवी करते हैं, इसकी घोर निंदा भर्सना करते हैं। और इसी बात से आज पूरे समाज में आपने देखा होगा बागेश्वर के अंदर बहुत बड़ा उबाल जनता के अंदर है और छात्र इस गतिविधि में भाग लिए हुए हैं, व्यापारी इसमें गतिविधि, सामान्य जनरल ओबीसी के लोगों ने। और मैं सरकार से पुनः अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि भाई इसको बहुत जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है पदोन्नति में मौलिक अधिकार किसी का नहीं, उसको लागू किया जाए। Yeah.